के इनके साथ फाइट लेंगे, डॉक्टर जादू के पास चलेंगे, आगे यहाँ पे देखा जा रहा है मामा को भी स्पॉट किया, मामा को स्पॉट डाउन भी किया जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर जादू को यहाँ पे करेंगे टीम ऑफ 24 गाइस पूरी टीम को फिनिश करेंगे पॉजिशन से गेम। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो भाई लोग क्या हाल चाल है, बढ़िया हो ना? तो बात करते हैं यार इस गेम प्ले की। और भाई साहब ये गेम प्ले था हमारा डे वन मतलब डे टू का फाइनल का डे टू मतलब राउंड टू, अभी होने वाले हैं तकरीबन चार राउंड और ये डे टू है। तो गाइस आज हमने किल तो बहुत किए हैं लेकिन यार गाइस आज चिकन से बच जाते हैं क्योंकि आज किस्मत हमारे एल लगा देती है। तो भाई जब किस्मत साथ नहीं होती तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल किल तो हमने इतने किए हैं कि घुस घुस के कि जितने भी पॉइंट्स उठाए आज सिर्फ किल से उठाए हैं, प्लेसमेंट पॉइंट तो भूल ही जाओ क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि घुस घुस के मारना। तो गाइस अभी सीन क्या था, हम उतरते हैं पाइनन और गाइस कुछ लौंडे यार कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई आप ESP यूज़ करते हो, आपके कोई टीममेट ESP यूज़ करता है, अगर आप नहीं करते हो कोई ना कोई हैक यूज़ करता है। तो भाई साहब मैं बताता हूँ, देखो जो मेरा बागी है वो यूट्यूबर है, फौजी भाई है वो यूट्यूबर है, रस खेलता है वो यूट्यूबर है, और गाइस फौजी भाई गए हुए हैं थोड़ा बाहर अपने काम से थोड़ा, तो उसके चक्कर से आज एक दो टीममेट दूसरा खेलने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना गाइस, हम भी मारेंगे उतना ही जितना फौजी भाई मारते हैं, क्यों टेंशन ले रहा हो? तो भाई साहब बूम बम तो करेंगे पेलम पाल करेंगे। तो फिलहाल गाइस हम उतरे हैं पाइनन और पाइनन में हमारे साथ एक टीम आती है गाइस और राइट साइड में उतरती है। तो मैं बोलता हूँ भैया जल्दी जल्दी लूट लो वरना एल लग जाएंगे। तो मैं गलत मार्क कर देता हूँ, तभी मेरे टीममेट बोलते हैं नहीं नहीं इधर है, तभी भाई साहब मैं जल्दी बल्दी गन उठाता हूँ और उनको ऊपर सीधे धड़म पड़म रस कर देता हूँ। और देखो ठीक है चलो, अरे सामने बंदा कौन है मेरे पास नंबर? तेरी सोनी सोनी फर्स्ट दे दे यार। आप लोग ऊपर से पकड़ दो गाइस, 2v4 का बैटल बागी बाटी यहाँ पे ऑलरेडी 1 HP हो चुके हैं, तो पुश किया जाएगा यहाँ पे डॉक्टर जादू की ओर से पुश करने की कोशिश। सामने बंदा आएगा नोवेक्स प्रो के, फुटस्टेप भी आ चुके हैं वो भी देख चुके हैं, उनको भी यहाँ पे क्या पुश करेंगे। तो 2v4 का बैटल है, हमारे प्यारे फौजी भाई आए हैं कि नहीं? फौजी भैया घूमने गए हैं ब्रो, उनका डाउन ब्रो फिनिश किया जाएगा। एक बंदा डॉट HP यहाँ पे, एक बंदा डाउन, दो बंद। सर सीन क्या था, मैं यहाँ पर घुसता हूँ डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर सोनी को नॉक कर देता है। तो भाई जब मैं सीधे उसको बचाने के लिए कवर फायर देता हूँ जिसमें से मैं एक बंदों को उसके नॉक भी कर देता हूँ, तभी ऊपर का उसका दूसरा बंदा आता है वो मुझे नॉक कर देता है। तभी इतने में यार शुभम मतलब स्पेक्ट्रम जो है मेरा टीममेट वो सीधा घुस के उसके मुंह पे यार एस्ट्रोल के चिपका देता है। तो भाई जब ये दो बंदे मारे जा चुके थे यहाँ पर, दो किल मुझे, एक किल मतलब मुझे मिला, एक शुभम को मिला। तो फिलहाल फटाफट हम यहाँ से लूट पूरी करते हैं, लूट करने के बाद में भाई साहब आगे घुसते हैं जोन में बंदे ढूंढने के लिए। अब देखो नेक्स्ट फाइट कितनी शानदार होने वाली है। तो एक बात कहना चाहूँगा गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोग जानते हो मतलब अगर 100 लोग देखते हैं तो 100 में से यार बहुत रेयर मतलब 10 बार अगर 100 लोग देखेंगे तब एक बार एक दो लोग सब्सक्राइब करते हैं, मतलब 0.0.1 सब्सक्राइब रेशियो है मेरा। तो भाई साहब इतना गंदा किसी यूट्यूबर का नहीं है इतना मेरा गाइस, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा यार सपोर्ट की नींद है। तो आप लोग कर दिया करो सब्सक्राइब, भाई लोग यार इतने प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आता हूँ, पूरी डिटेल में बताता हूँ और स्किम्स के लेके आता हूँ, क्लासिक के भी नहीं लेके आ रहा हूँ। तो गाइज मतलब यार थोड़ा तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं जाएगा, कर दिया करो मेरा भाई प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, कर दिया बहुत ज़रूरत है इसमें, कर दो भाई प्लीज़ है नहीं किया तो। फिलहाल ये जब चलते हैं आगे की फाइट में, अब देखो क्या ही बंदों को मारते हैं। सर गाइस यहाँ पर मेरे टीममेट्स को सामने बंदे स्पॉट होते हैं, तो भाई जब मुझसे शुभम पूछता मैं लेफ्ट से जो मैं बोलता हूँ ठीक है सब लोग फ्लैंक करो, तो मैं और सोनी सामने से आते हैं, बागी राइट से फ्लैंक करता है, बागी जैसी क्लोजिंग करता है और फटाक से मैं भी बिना टाइम वेस्ट किया गाइस बागी के साथ जाता हूँ और मैं सोनी से बोलता हूँ गाइस तुम यहीं होल्ड रखो, जब मैं जैसी कॉल दूँ तुरंत आगे क्लोज करना। तो भाई होता लेकिन गाइस
यहाँ पर गलत सीन क्यों जाता है यार, जो सुबह में उसको वायर वो बंदे स्पॉट कर लेते हैं, उसको डैमेज देने लगते हैं। तो मैं धड़पड़ जल्दी से और मतलब स्पीड बढ़ा देता हूँ अपनी फ्लैंक की, और गाइस फ्लैंक करके देखो क्या इस टीम को भी निपटाते हैं। किसको देख लिया रे, देख रखा है हमको, स्ट्रीम स्नाइप कर रहा है पक्का। हां सेफ है, सेफ है। मेरे मेरे ऊपर ध्यान रखो उनका। गाड़ी निकली कोई? मेरे पे ले रहा है शॉट सारा। नहीं ये गाड़ी निकाल रहा था, मेरे पे ले रहा शॉट इस वाले घर पे। और ये फटा, अरे मादरचोद कैसे नहीं फटा बहन चोद। चलो जय जय श्री राम करो फटा। दिक्कत है वो, चारों तरफ से बंदे हैं तो यहाँ पे हर साइड से एंगल जा रहा है। तो यहाँ पे फिनिश करेंगे टीम और 24 गाइस पूरी पूरी टीम को फिनिश करेंगे और इसे गेम की स्क्वाड के बंदे तो यहाँ पे भी फाइट फिनिश हो चुके हैं। तो काफी अच्छा गेम प्ले अभी तक तो काफी अच्छा जा रहा है, स्टार्ट तो मैच इनका अच्छा हो रहा है भाई। सर गाइस सीन का यार मतलब ये वाली स्क्वाड जैसे स्क्वाड हुई तो तीन बंदे यहाँ पर मैं मार देता हूँ, और गाइस एक बंदा मार देता बागी बोबी ग्रेनेड से, तो बन भी 3 क्लच कर दिया था वो भी कस्टम में गाइस, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो यार ठोक दो यार। तो अब यहाँ से लेते हैं नेक्स्ट रोटेशन, और गाइस जो जोन था यार वो बहुत खतरनाक हार्ड शिफ्ट लेता है, क्योंकि गाइस जोन ने हमारा अब तक साथ ही नहीं दिया, इसी चक्कर से गाइस हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गाइस जोन अगर आपका रहेगा तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस अब हम नेक्स्ट रोटेशन लेते हैं, और नेक्स्ट रोटेशन लेते टाइम गाइस हमारी मुठभेड़ हो जाती है टीम से, और गाइस बहुत ज़्यादा सीन हो जाते हैं क्योंकि जोन भी आ जाता है और सामने टीम भी आ जाती है, और देखो क्या ही गलत सीन होते हैं। बग्गी से था यार, माधर चूत कचक गया रे। अबे यार इस घर पे रुको, को स्पॉट मत होना। कौन गाड़ी है? उतर जा माधर चूत, रुक जा बहन के लौड़े। अबे कैसे भाई इसको, गाड़ी निकाल रहा है कवर दे। ये बैठा है दरवाजे पे। थैंक यू। बहुत प्यारा। ये आप बता दिया करो, अगर ऐसे आपके स्लॉट में कोई है तो बता दो उनका कि डाउन करेंगे चाहल को, यहां पे डाउन कर देगा सैलिन के साथ। सर गाइस यहां सीन क्या था, वो मेरी टीममेट को नॉक करते हैं भाई साहब, मैं उनको नॉक कर देता हूं, तो मेरा बहुत अच्छा एंगल था, मैं थोड़ा क्लोज भी कर सकता था, लेकिन मतलब जो देखता हूं कि जोन यार 2.5 इंच का बन चुका है, तो बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप ले लिया पूरा उसने बूट कैंप की साइड। तो मैं बोलता हूं गाइस पहले जोन जरूरी है, क्योंकि सहनौक का जोन बिल्कुल रहम नहीं करता है, तो सबसे पहले जोन ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, एक किल के चक्कर में पूरा स्क्वाड खराब हो जाएगा, बहुत कुछ सीन बन सकते हैं। तो मैं भाई बोलता हूँ, अब मेरी टीम तुरंत भाई फॉलबैक लेती है, और गाइस साथ में मैं भी अब निकलता हूँ यहाँ से, और गाइस अब बंदे कुछ जो होते हैं वो थोड़ा भी जोन के बाहर होते हैं, और हम लोग जोन पकड़ लेंगे पहले ही। गाइस बूट कैंप में तो टीम ऑलरेडी होंगी, क्योंकि भैया एक यही सेंटर बचा था घर का। तो मैं बोलता हूँ यार पानी की साइड अपने लोग चलेंगे गाइस, और जो भी पानी के आर पार के जो बंदे होंगे उनके ऊपर निशाना लगाएंगे, और देखो भाई क्या ही गलत सीन होंगे। पकड़ो 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 उसको, मत कर उंगली जोन सोनी है क्या, मत करो उसको, मना करो यार, मारो क्या इनको, वॉच आउट। चल चल यहाँ बंदे, वॉच आउट शायद, वॉच आउट यहाँ कोई कवर नहीं है, वॉच आउट
Watch out. अबे कोई पानी पे आया, कोई पानी पे है, कोई पानी पे है, पानी पे है कोई। आवाज आ रही है। बढ़िया। नॉक तो किया बहन के लौड़े को। आ रहा है। पूरा टाइम। सर गए थे यहाँ पर मेरे तो 6 किलो जाते हैं, पूरी स्क्वाड के भाई साहब 10 किलो जाते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है जिसके कारण हम मारे जाते हैं गाइस। अगर यहाँ थर्ड पार्टी अगर ना होती तो शायद हम गाइस बेहतर और भी किल निकाल सकते थे, हो सकता था चिकन भी निकाले, लेकिन ये टीम हमारे पर थर्ड पार्टी करती है जिसके चलते हमारा गेम यहीं एंड हो जाता है सैनोक का। अब चलते हैं इरेंगल की तरफ। इरेंगल में तो मेन चीज़ है रोटेशन, तो वो आपको बहुत ही बेहतर दिखाऊंगा मैं, रोटेशन ही रोटेशन। सर गाइस सीन क्या होता है यार, हम हमेशा की तरह हॉट ड्रॉप ही लेते हैं, जो भी हमारा हॉट ड्रॉप मतलब जो भी लैंडिंग जगह होती है। तो सीन क्या होता है यार इस वाले मैच में, तो भाई इरेंगल था ये, हम उतरते हैं सीधे मिलिट्री बेस। और गाइस मिलिट्री बेस हमारे साथ एक स्क्वाड आ भी रही होती है, तो मैं बोलता हूँ गाइस हॉट ड्रॉप लेना है, इनके मुंह में घुसना है। तो भाई वो भी उतरते हैं सी बिल्डिंग की साइड, और गाइस मैं भी सी बिल्डिंग में घुसा देता हूँ। मैंने सोचा जो होगा देखी जाएगी, वैसे आज गेम खराब हो रहा है तो क्यों ना इसे भी खराब बनाया जाए या इनको भगाया जाए यहाँ से। तो भाई होता है फटाक से लैंड करते हैं, और लैंड करते ही गाइस मेरे हाथ में चढ़ जाती है गन, और जगह पर उन बंदों के साथ क्या करते हैं सीन। जब भागे लोग गांड दबा के किधर है देख रहा है क्या? अरे ओपी चलो 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 और एक बंदा भाग जाता है। तो भाई साहब उसे तो हम बहुत कोशिश करते हैं ढूंढने की चारों तरफ भाई साहब, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता है, वो भाग चुका था। तो फिलहाल गई अब यहाँ से बारिश रोटेशन लेने की, और देखो नेक्स्ट सीन। हेलो लिपो का घर डाल दो ब्रो, एक साइड से खाली करेंगे। इसको उतार के फेल रहे हो ब्रो, घुसाना है लिपो का, जल्दी बताओ जादू भाई। अरे ये रुक इधर अंदर सामने। Yeah,
सर भाई सीन क्या होता है यार, हम वहां से निकल जाते हैं रोटेशन लेके, तो भाई जब वो बंदे भाग जाते जिनसे फाइट लेने के लिए रुके थे, तो जोन बन चुका था, तो जोन को पहले हर कोई प्रायोरिटी देता है, बढ़िया जो भी अच्छा प्लेयर होगा। तो गलती क्या हो जाती है मेरी, यहाँ से मिस कॉल समझ लो या जो भी गड़बड़ समझ लो, मुझे लगता है कि यहाँ पर पहाड़ी है, हालांकि पहाड़ी वाले लेफ्ट में होती है और वहाँ पर ऑलरेडी बंदे होते हैं, तो मैं यहाँ ओपन में आकर के रोक लेता हूँ गाड़ी और गाइस बंदे स्पॉट कर लेते हैं और मुझको कर देते हैं नॉक। तो फिर मैं एक बंदे को उतारने की पूरी कोशिश करता हूँ, डैमेज होता है, तभी उसका टीममेट है मुझको कवर फायर देता है और इतने में ही मैं नॉक हो जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे आगे गाड़ी लगाओ, और गाइस मेरे टीममेट आगे बचाने के लिए मेरे को गाड़ी लगाते हैं और यही गाइस सीन खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दो मौका मिलता है, लेकिन यहाँ ओवर कमिट गाइस बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिलहाल गाइस रिवाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ओपन एरिया, वो तो शुक्र था कि पीछे से कोई टीम नहीं आई, तो जब बागी भी नॉक हो जाता है तो मैं बोलता हूँ शुभम तुम आओ तुम्हारी बारी, और देखो रिवाइव हो पाते हैं कि नहीं। गाड़ी निकलते हैं जब से रिवाइव लेकर गलत जगह पे, आप निकलो यार वो पहाड़ी पे। सो गाइस सीन यहाँ पर क्या हुआ, सामने एक बंदा नॉक पड़ा था, मैं उसका किल चुराने के लिए गया, तो इतने में ही सीन हुआ था उसका बंदा कवर फायर में मेरे को नॉक कर देता, मतलब हम समझ चुके थे बंदे हम पे हार्ड पीक लेके बैठे हैं, तो भाई साहब अब पीक लेना मतलब नॉक होना। तो सीन क्या था, मेरे पास लास्ट सीलिंग बची थी, मैं वो लगा लेता हूँ, और गाइस गाड़ी भी हमारी दोनों ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो चुकी थी, अब वो गाइस लगातार हम पे ही फायर दे रहे थे, तो हम बोले भाई अब तो बचना मुश्किल है। तो भाई इतने में हमारी गाड़ी भी देरी एक एक करके धीरे धीरे सब ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं और जोन भी आ जाता है, और देखो फिर क्या ही गलत सीन होते हैं। हालांकि गाइस हम तो मतलब फंस ही गए थे, हमारे पास तो कोई अब ऑप्शन ही नहीं था निकलने का, लेकिन गाइस वो बंदे भी हमको ना निकलने देने के चक्कर में वो भी जोन से मारे जाएंगे, क्योंकि गाइस हम तो फंस चुके थे, हमारे पास तो ऑप्शन ही था, क्योंकि हम उनको किल दे नहीं सकते थे और गाइस हम निकल नहीं सकते थे ऐसे, क्योंकि जोन भी आ चुका था। तो मैं भाई मारने की कोशिश करता हूँ, भाई इतने में ही जोन आ गया, तो मैं बोलता हूँ भैया अब निकला जाए, अब चाहे जो भी हो पड़े या मरे। सामने मुझको एक डासिया भी दिखती है, लेकिन गाइस हीलिंग होती है जीरो, तो भाई समझ सकते हो मतलब हीलिंग नहीं तो कुछ नहीं पॉसिबल है। तो भाई करता हूँ यार मैं डासी उठाता हूँ और गाइस निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस जोन बहुत बेरहम होता है, मैंने बोला ना जोन को प्रायोरिटी पहले देंगे, वो तो हम फंस गए थे, वरना मैं जोन हमेशा पहले लगाता हूँ। गाइस उस टीम की जगह अगर मैं होता तो मैं पहले अपना जोन लगाता, क्योंकि हम फंस चुके थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गाइस ये थे आज के रोटेशन और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग भी आगे अपने कस्टम्स स्किल्स में परफॉर्म करें तो ना करें, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बाय, जय जवान, वंदे मातरम।